नमस्कार, आज फिर से हम लौटे हैं दिल्ली की 20 बड़ी खबरें लेकर। सीएम केजरीवाल बोले 2019 में किसान करेंगे मोदी सरकार का तख्ता पलट। बड़के केजरीवाल बोले सिसोदिया को जाने नहीं दिया जाएगा विदेश, केंद्र नहीं चाहती दुनिया में हो दिल्ली का नाम। एक सर्वे के अनुसार दिल्ली में आपकी फिर होगी वापसी और शीला से बेहतर है केजरीवाल। केजरीवाल ने किया खुलासा, बीजेपी का बड़ा घोटाला है किसान फसल बीमा योजना। दिल्ली सरकार ने नहीं माना डीटीसी कर्मचारियों का अल्टीमेटम, आज से घर घर पहुंचेगा आंदोलन। शहीद की पत्नी को केजरीवाल सरकार ने दिया 1 करोड़ का मुआवजा, पत्नी बोली इंसाफ अभी भी बाकी। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में उद्योग बंधुओं की बैठक, समस्याओं के निदान का दिया जाएगा आश्वासन। दिल्ली के 5,650 स्कूलों का होगा मूल्यांकन, आयोग ने छात्रों की सुरक्षा के लिए उठाया बड़ा कदम। कांग्रेस के साथ स्थानीय लोगों ने निकाला मार्च और बोले हमें चाहिए अपराध मुक्त शालीमार बाग। दिल्ली में मॉब लिंचिंग, चोर समझकर भीड़ ने युवक को पीट पीट कर मार डाला। गाजियाबाद पुलिस ने पकड़ी नकली नशे की बड़ी खेप, नामी ब्रांड के नाम पर घोर धंधे का खुलासा। गोविंदपुरी थाने की पुलिस टीम ने खूंखार बदमाश विक्की को पकड़ा, लूट और स्नैचिंग के कई मामलों का हुआ खुलासा। सरकारी फार्मेसी का कर रहा था सरकारी दवाइयों का धंधा, क्राइम ब्रांच ने किया पर्दाफाश। डाटा चोरी का दूसरी कंपनियों पर करते थे सप्लाई, नोएडा पुलिस ने किया इसका खुलासा। जेल जाने के लिए तैयार रहे बिल्डर, रजिस्ट्री विभाग ने उठाया बड़ा कदम। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण का स्तर, रविवार से होगा रिकॉर्ड में बढ़ोतरी। बदल जाएगा गाजियाबाद, जीडीए की बैठक में 45 में से 37 प्रस्ताव हुए पास। टीबी की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग ने उठाया बड़ा कदम, हाईटेक सुविधाओं में लैस वैन पहुंचेगी देरी से। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और टुडेज की ऐप को जरूर डाउनलोड करें।